हेलो एंड वेलकम दोस्तों। कहते हैं कि जब भी आपको कोई बड़ी लड़ाई जीतनी होती है तो उसमें आपके लीडर का योगदान बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्रिकेट इतिहास की बात करें तो वही टीमें वर्ल्ड कप जीती हैं जिन टीमों के पास बहुत अच्छे कप्तान रहे। इतिहास इस बात का गवाह है कि आप क्लाइव लॉयड से लेकर के कपिल देव, अर्जुन रणतुंगा, स्टीव वॉ, MS धोनी और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो अपनी अपनी टीमों के लिए कप्तानी से गेम चेंजर रहे हैं। और टीम इंडिया के लिए इस बार WTC फाइनल की जो जंग है वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि जो रिपोर्टेड खबरें आई हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को लेकर के कि वो अनफिट हैं या उनकी फिटनेस को लेकर के डाउट है। तो ऐसे में टीम इंडिया की कप्तानी कौन करेगा या किसको करनी चाहिए, उसी पर डिस्कस करेंगे हम इस आज के वीडियो में। अगर आप नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। एज यूजुअल रोहित शर्मा का इंजर्ड होना कोई नई बात नहीं है और इंडिया के लिए बड़ी कंसर्निंग चीज रही है। रोहित शर्मा जब से टेस्ट कप्तान बने हैं तब से बहुत ज़्यादा अनफिट रहे हैं और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट मौक़ों पर उन्होंने सीरीजेस मिस करी हैं। वजह जो भी हो, सरकमस्टेंसेस जो भी रहे हों, भले ही वो उनकी फिटनेस वजह हो, चाहे उनको कोविड हो गया हो या कोई और वजह हो, लेकिन वो अनअवेलेबल बहुत सारी सीरीजेस में, मैचेस में रहे हैं, जो कि इंडिया के लिए एक टीम बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीम के प्रोग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ नहीं रही है। वही चीज़ अब यहाँ पर भी सुनने में आ रही है, जो रिपोर्टेड खबरें आई हैं उसके हिसाब से अगर रोहित शर्मा फिट नहीं होते तो फिर इंडिया को दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन मैं दाद देता हूं उन लोगों की जो पहले भी बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा को टीम इंडिया में टेस्ट टीम का कप्तान होना ही नहीं चाहिए। आई डोंट नो इसके पीछे लॉजिक्स उनके क्या हैं। मैं एक जो ट्रेंड देखता हूं इंडियन क्रिकेट में पिछले कई सालों से, और यह ह्यूमन नेचर भी है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है वही हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। जब तक विराट कोहली कप्तान थे तब तक लोग बात करते थे कि रोहित शर्मा को T20 टीम का कप्तान होना चाहिए, वनडे टीम का कप्तान होना चाहिए। आज जब रोहित शर्मा T20 और वनडे टेस्ट के कप्तान आपके हैं तो आज बात होती है कि विराट कोहली ही अच्छे थे। देखिए ये अलग अलग ओपिनियंस है, शायद टेस्ट क्रिकेट में ये बात हो सकती है, लेकिन लोग तो वनडे और T20 क्रिकेट में भी यही बात करते हैं कि रोहित शर्मा से कप्तानी वहाँ भी नहीं कराई जा सकती। तो इसीलिए अगर रोहित शर्मा फिट एंड अवेलेबल हैं तो मेरे नज़र में तो सीधे नो डाउट वहां पर कोई सवाल भी होना चाहिए, किसी को ये पूछना भी चाहिए कि रोहित शर्मा कप्तान होने चाहिए या WTC फाइनल है तो विराट कोहली को कप्तानी करनी चाहिए। विराट कोहली की भी कप्तानी की बात जहां तक आती है, रवि शास्त्री ने हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब इंडिया वन ऑफ टेस्ट मैच खेलने के लिए इंग्लैंड गई थी तो उस टाइम विराट कोहली को कप्तानी देनी चाहिए थी, अगर मैं होता तो मैं जरूर रिकमेंड करता कि विराट कोहली को कप्तानी दी जानी चाहिए। अब इस बात को लेकर के बहुत दुविधा है, अब सच झूठ का खेल यहां भी शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले जो खबरें आई थी उसमें यह था कि विराट कोहली से यह पूछा जरूर गया था कि क्या वो कप्तानी करना चाहेंगे। अब उस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, बट रवि शास्त्री का वर्जन जो है कि विराट कोहली को रिकमेंड किया जाना चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना कि जब आप कंट्री के लिए खेलते हैं तो आप कंट्री आपके लिए सबसे पहले, आपकी पर्सनल ईगो आपको आपके जेब में रखनी चाहिए जब तक आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी से डिसीजन मेकिंग में गलती हो गई हो, बट आप उसको खुद से आगे बढ़ के भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी पर्सनल ईगो का सवाल नहीं है, यह कंट्री के, क्रिकेट के बेटरमेंट का सवाल है। तो अगर विराट कोहली को हटाया गया था, पूछा गया था, नहीं पूछा गया था, लेकिन वो ऑल इम्पॉर्टेंट उस लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा जरूर थे जिसमें राहुल द्रविड़ हो, विराट कोहली हो, या जिनको कप्तान बनाया गया था उस मैच में जसप्रीत बुमराह, सो विराट कोहली उस ग्रुप में थे और डिसीजन मेकिंग में भी आई एम श्योर उनकी से रही होगी। तो उस वक्त शायद उन्होंने भी ना अपनी तरफ से कोई ऐसी पहल की कि वो कप्तानी करना चाहते हैं, या टीम मैनेजमेंट के लिए तो खैर रवि शास्त्री के बयान से तो यही लगता है कि उनसे पूछा नहीं गया कि वो कप्तानी करना चाहते हैं, बट जो भी है, बट वो डिसीजन मेकिंग एक तो वहां पर सही नहीं हुई। दूसरी चीज मुझे क्या लगती है कि वो डिसीजन जब हुआ, आज आप विराट कोहली को RCB की कप्तानी करते हुए देख रहे हैं, तो ये देख के कई बार फील होता है कि यार कंट्री की कप्तानी करने के लिए आप शायद तैयार नहीं थे, बट आज आप फ्रेंचाइजी की कप्तानी करने के लिए तैयार हैं। ये विराट कोहली की क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं है, बट समटाइम्स हमें जो जो भी चीज़ है, कोई भी बिटरमेंट रही हो, कुछ भी रहा हो,
उन सबको भूल करके जब बात आती है कि हमारे कप्तानी करने से, मेरे कप्तानी करने से टीम का भला हो सकता है, इंडियन क्रिकेट का भला हो सकता है, तो हमें वो स्टेप लेना चाहिए। ये मेरी राय है ओवरऑल। सो इसी में अब रवि शास्त्री का ये मानना है कि अगर रोहित शर्मा कप्तान नहीं होते हैं तो विराट कोहली को WTC में कप्तानी करनी चाहिए। विराट कोहली का कंट्रीब्यूशन टेस्ट क्रिकेट में रिमार्केबल रहा है। जो बात उन्होंने कही है उसमें एक चीज और भी है कि अगर वो पूरी कप्तानी करते तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन वो होते टेस्ट क्रिकेट में। ये बात भी सही है, बट पॉइंट इज कि विराट कोहली की जो कप्तानी थी उसमें सवाल क्या उठा था। सवाल क्या होता है कि जब कप्तानी की बात होती है तो आप उसमें लिमिटेड ओवर क्रिकेट के टूर्नामेंट को भी ऐड करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में हर कोई सरप्राइज था जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी, लेकिन वन ऑफ ICC इवेंट इन टेस्ट क्रिकेट जिसमें उन्होंने कप्तानी की, वो सिमिलर चीजें, सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिलता है जो इंडिया की हार की वजह बना, जो थी टीम सिलेक्शन, डिसीजन मेकिंग, कई बार रिजिड होना कुछ फैसलों को लेकर के। वही गलती तो टेस्ट मैच क्रिकेट में भी की। अब शायद विराट कोहली बेटर हो के आए, जिता देंगे या नहीं जिता देंगे बात वो नहीं है, बात यहां पर सवाल यह है कि विराट कोहली ने क्या टेस्ट क्रिकेट में जो अल्टीमेट चीज थी जीतने के लिए WTC फाइनल पिछला, वहां पर वो आपको उतने उपयुक्त लगे थे या उतने ऐसे लगे थे कि वो आपको ICC इवेंट जिता सकते हैं? क्योंकि गलतियां तो वही सिमिलर रिपीट हो रही हैं जो आपके लिमिटेड फॉर्मेट में रिपीट हो रही थी। तो अब अगर आप इस वक्त विराट कोहली को कप्तान बनाएंगे तो क्या ये इस चीज की गारंटी है कि वो आपको WTC फाइनल जिता देंगे? अब इसी में मैं एक कंटेंडर की बात और करना चाहूंगा। बात भले ही थोड़ी सी पीछे जाती है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें कई बार कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, जो अपनी बात को उतना मजबूती से नहीं रखते। मैं अजिंक्य रहाणे की बात करना चाहता हूं यहां पे, क्योंकि जब तक विराट कोहली कप्तान थे तब तक वो उपकप्तान थे, और सडनली आप देखते हैं कि अजिंक्य रहाणे की फॉर्म जाती है, उनको टीम से बाहर किया जाता है, रोहित शर्मा उपकप्तान बनते हैं और उनके पास कप्तानी भी फिर कहीं ना कहीं आ जाती है। लेकिन अगर आप रहाणे का ओवरऑल देखें, जितनी भी कप्तानी उन्होंने इंडिया के लिए की है, प्लेयर्स ने भी ये बार बार कहा है कि अंडर रहाणे वो ज़्यादा कंफर्टेबल थे, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में जो 2020-21 की BGT में इंडिया ने बाउंस बैक किया था, वो अंडर रहाणे की लीडरशिप ही आपको देखने को मिला। उसके अलावा जब जब उनको टेस्ट की कप्तानी करने का मौका मिला तो लीडरशिप के गुण उनके अलग नज़र आते हैं, और वो चीज़ जो आप कभी नहीं जीते या आपके लिए जीतना बहुत मुश्किल था जिन सिचुएशन से, रहाणे ने वहाँ से आपके लिए वो जीत आपको दिलाई। और जो बेसिक चीज़ें आप कहते हैं ना कि विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में जो ओवर द ईयर्स गलतियाँ करी हैं, वो गलतियाँ शायद अजिंक्य रहाणे ने नहीं करी। अगर वो फॉर्म में रहते तो विराट कोहली के बाद असली कंटेंडर वही थे कप्तानी करने के। तो अब अल्टीमेटली ये जो तीन ऑप्शन है, तीन में अगर रोहित शर्मा फिट हैं तो उसके बाद तो सवाल होना ही नहीं चाहिए कि कप्तानी कौन करेगा। अगर रोहित शर्मा खुदा ना खास्ता अनफिट हैं और किसी वजह से WTC फाइनल नहीं खेल पाते हैं तो विराट और रहाणे में से कप्तानी किसको करनी चाहिए? विराट कोहली पिछले ओकेजन पर कप्तानी नहीं करी थी लेकिन ये WTC फाइनल है तो इसलिए ग्रैब कर लेंगे, ये तो फिर सही नहीं है कि आप पिक एंड चूज करेंगे कि कब मुझे करनी है और कब मुझे नहीं करनी है। तो फिर मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे जो अब तक जहां भी जिन सिचुएशंस में उन्होंने कप्तानी करी है, आपके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत सही रही है और टीम को उन्होंने बहुत अच्छे से चलाया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर कप्तानी की बात आएगी तो मैं कहूंगा कि आई विल नॉट हेजिटेट टू गिव कैप्टेंसी टू अजिंक्य रहाणे, नॉट विराट कोहली फॉर वन ऑफ मैच। क्योंकि ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एक मैच की कप्तानी विराट कोहली कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि सिनेरियो आपको सारे ध्यान में रखने पड़ेंगे। अजिंक्य रहाणे को तो आप वन ऑफ मैच के लिए कप्तानी करा सकते हैं, लेकिन विराट कोहली को अगर आपको करानी है तो फिर यहां से परमानेंट कप्तान बना दीजिए, फिर आप रोहित शर्मा की टेस्ट कैप्टेंसी भूल जाइए अगर वो अवेलेबल नहीं हो रहे हैं WTC फाइनल खेलने के लिए। तो ये बड़ा ट्रिकी डिसीजन रहेगा कि अगर रोहित शर्मा फिट नहीं होते हैं तो कप्तानी विराट कोहली के पास जानी चाहिए, जानी चाहिए तो सिर्फ एक मैच के लिए जानी चाहिए या परमानेंट कप्तानी जानी चाहिए। क्योंकि ये पूरे प्रोसेस में पिछले 2.5 साल में इंडियन सेलेक्टर्स ने, टीम मैनेजमेंट ने जो सबसे बड़ी गलती की है वो ये की है कि किसी और खिलाड़ी को कप्तानी के लिए ग्रूम ही नहीं किया। तो अब शायद अगर विराट कोहली टेक ओवर कर लें, अजिंक्य रहाणे टेक ओवर कर लें या रोहित शर्मा ही करते रहें, जो भी तीनों में से करें, बट आपको अगले 1-1.5 साल में वाइस कैप्टन जरूर ग्रूम करना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आने वाले दिनों में टेस्ट क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सब अपनी राय इस वीडियो पर और कप्तानी का ये जो पूरा सिनेरियो है इस पर जरूर दीजिए। ये डिस्कशन आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।